नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? होशियार दास। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव शिवसिंहपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, राजस्थान। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 4 नवंबर 2013 को। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ, जैसे हिंदू धर्म में जो भी साधनाएं करते थे वो भी किया करता था, ज़्यादातर हनुमान जी का, और हमारा कुल देवता था नरसिंह जी उसकी, और शंकर जी की किया करता था, और दुर्गा जी की। इनकी साधना करने के बाद मैं तांत्रिक भी था, और मैं अपने आप को सब कुछ समझता था उस टाइम। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक टाइम मेरा दोस्त है कोई, उसके पास चला गया। उसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी 1 महीने पहले, तो उसने बताया, हाँ भैया ये तू काम कर रहा है ये गलत है, तुमको नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसको बुरा भला भी बोला, क्यों, मेरे को पता नहीं था, मैं तो मेरे को खुदा समझ रहा था, क्यों मैं मतलब एक हरे वृक्ष को भी फूंक देता था, तो मैं तो किसी को समझ नहीं रहा था ना। तो फिर उसने समझाया तो मैंने उसको उल्टा सुधा ही बोला, गालियाँ भी दी, फिर उसने कुछ नहीं कहा। फिर दोबारा 15-20 रोज़ बाद फिर गया, फिर उसने कहा, तो फिर मैंने ऐसे ही बोला। फिर गया तो उसने मेरे को एक बुक दी, ज्ञान गंगा, और हाथ जोड़ के बोला, भैया तुम साधना चैनल पर सत्संग सुनो। सत्संग सुना परमात्मा संत रामपाल जी का, तो कुछ मेरे को वो सत्संग सुना रहे थे तो मेरे को कुछ अटपटी बातें लग रही थी, तो मैंने संत रामपाल जी को भी मैंने बुरा कहा, अरे ये तो ऐसे ही है, क्योंकि मैं सत्संग सुनता था, रात को शराब पी के सुनता था। और फिर मेरे परिवार वालों को बोला, मुझे ऐसे ऐसे संत आते हैं जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। फिर वो कोई बात नहीं, दूसरे दिन हमारी घरवाली थी, वो बोले बोले आज फिर देखेंगे। फिर देखा तो ऐसे ही मैंने कुछ देखा कुछ नहीं, तो शराब के नशे में था, कुछ देखा कुछ नहीं। एक दिन पता नहीं परमात्मा मालिक कबीर साहिब की कैसे कृपा हुई, संत रामपाल जी का सत्संग देखने के लिए मेरे को मजबूर कर दिया, और मैंने वो सत्संग देखा। सत्संग यूं ही देखा तो मेरा तो बिल्कुल ही दिमाग ऐसे यू टर्न हो गया, जैसे मानो कोई, क्या बताऊँगा, मेरे तो मैं तो रोने लग गया, अरे मैं तो इतने नरक के रास्ते पे जा रहा हूँ। वो दिन था, वो आज भी मेरे वो दिन याद आता तो मेरे को आंसू आते हैं आँखों में, कि मैंने कितना बुरा किया है और मेरा क्या होगा। मैंने टीवी को तो बंद कर दिया और मैं रोने बैठ गया। और फिर मैं दूसरे दिन मेरी गाड़ी उठाई और जिस दोस्त ने मेरे को बुक दी थी उस वहाँ पहुँचा, और मैंने उसको कहा, भैया मेरे को उसको पता दे दे। और 4 नंबर को हम फिर संत रामपाल जी महाराज के गए, हम गए वहाँ, हमने नाम दीक्षा ली परमात्मा संत रामपाल जी से। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो गया, आपकी ज़िंदगी यू टर्न हो गई, तो उस सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या बताया कि आपकी ज़िंदगी ही बदल गई? ये बताया कि तुम जो साधना कर रहे हो, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितृ पूजने वाले पितृ बनेंगे, और ये जो पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति करने के लिए ओम तत्सत मंत्र, इसका जो जाप करेगा वो भी बाखबर कोई तत्वदर्शी संत से तुम नाम लेगा तो ही मोक्ष होना है, नहीं तो नहीं होना है। ये मेरे बात को उसको दिमाग में घर कर गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? देखो सबसे ज़्यादा तो आध्यात्मिक लाभ मिला। आध्यात्मिक लाभ जैसे हमारा 84 लाख योनि भोगने के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म का मतलब मिला कि मनुष्य जन्म मिलता क्यों है, ये जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये परमात्मा कबीर साहिब का ज्ञान संत रामपाल जी ने दिया, जो 600 साल पहले कबीर साहिब जी ने दिया था, और वही ज्ञान आज सदग्रंथों में है, गीता जी में है। जो आज संत रामपाल जी के नाम से नफरत कर रहे हैं, वो भाई बंधु से मेरा यही निवेदन है, जैसे मेरा इतना बुरा चरित्र था, बुरा काम करता था, उनसे छुटकारा मिल गया, तो आप भी देखो इनको ज्ञान पढ़ो, सुख लिखो, उसके बाद में उनको बुरा भला बोलो, मेरा जैसे यू टर्न हो गया, मेरी ज़िंदगी बन गई। और जब आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो आदमी को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं, जैसे आर्थिक लाभ तो संत रामपाल जी इतना लाभ दे देते हैं हर परिवार को, जो समझ भी नहीं सकता। जैसे मैं मेरी बताऊं, जैसे नाम लिया मैंने 14 के अंदर, तो मैंने सरकारी काम करना था वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें बेईमानियां, चोरी, डकैती, ये था, मिलावट था,
वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मालिक का ज्ञान ही ऐसा है। तो मैंने सोचा मैं अब क्या करूँ, तो मेरा बच्चा था 19 साल का, उसको ये पॉलिटेक्निक कर रहा था, वो एक साल हुई थी उसको, उसको भी ज्ञान नहीं था। मैंने सोचा बेटे अब क्या करेंगे, तो उसको मैंने एक मोटरसाइकिल बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोल दी, मालिक से आदेश लिया खोल दी। आज उस दुकान से मेरे ख्याल से मैं ठेकेदारी करता था, तो उस टाइम भी मेरा काम नहीं चलता था। आज मेरे जेब में पैसे ख़त्म नहीं होते, ये सिर्फ पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब दे सकते हैं, जिनका स्वरूप श्री संत रामपाल जी महाराज हैं। और जैसे शारीरिक लाभ पूछो, तो शारीरिक लाभ ऐसे होता है जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो वो कुछ मर्यादाएँ देते हैं, और मर्यादाएँ कुछ भंग हो जाती हैं हमारे, क्यों समाज ऐसा ही है तो उसके अंदर मर्यादाएँ भंग हो जाती हैं, तो परमात्मा का हाथ ऊपर सिर से उठ जाता है, तो तब कुछ छोटा मोटा रोग भी हो जाता है। तो मेरे दिमाग में जो चक्कर आने लग गए थे सिर में, और मैं बैठ भी नहीं पाता था, मैंने नारनौल हमारे पास में सिटी पड़ती है वहाँ डॉक्टर से दिखाया, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। जयपुर गया, दमा हॉस्पिटल है बड़ा हॉस्पिटल, उसमें दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर परमात्मा कबीर साहब ने तत्वदर्शी संत रामपाल जी के रूप में दिखे और बोले बेटा तेरा नाम अशुद्ध हो रहा है, तेरा नाम शुद्ध करवा ले। मैंने जो ही वो आंखें खुली, मैंने मेरा नाम शुद्ध करवाया, तीसरे रोज़ मेरा पता नहीं वो चक्कर कहाँ गई, पता ही नहीं, बिल्कुल स्वस्थ। ऐसे ही अब 2 महीने पहले मेरे पथरी होगी, वो भी ऐसे ही हुआ, जैसे ही परमात्मा से नाम शुद्ध करवाया सही। और मैं स्कूटी पर आ रहा था एक रोज़, तो इतनी भयंकर, जैसे हम नील गाय बोलते हैं वैसे तो, और हमारी भाषा में रोज़ बोलते हैं, ऐसा तगड़ा था वो, तो इतनी भयंकर टक्कर लगाई मेरे। तो स्कूटी लोहे की होती है, स्कूटी मुड़ तो जाए वो तो हो सकता है, पर अलग अलग 2 भाग हो गई, अलग अलग 2 भाग। आज भी मैंने उसको ऐसे कैसे रखा है, उसको मैंने ठीक नहीं कराया, ताकि कोई जगत के लोगों को मैं समझा सकूँ, देखो परमात्मा का ये काम। और मेरे को ऐसे हाथों पे लेके इतनी दूर तक रख दिया संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे कोई फूल को रख दिया हो। और जब मैं उठा तो बिल्कुल मेरा हल्का शरीर और मेरा कुछ भी 1% भी खरोंच तक नहीं। जो ही वो एक्सीडेंट हुआ था, एक स्टैंड के पास में हुआ था, तो स्टैंड से दौड़ दौड़ के आए लोग, तो मेरे को बोले बोले खड़ा हो खड़ा हो। अरे भाई क्या हो गया, मैंने बोला क्या हो गया, अरे तू एक्सीडेंट हुआ, मैं तो नहीं हुआ। अरे बोले हुआ कैसे नहीं, अरे मैं नहीं हुआ, मैं सही हूँ भाई। तो ये को जो भाग के आया था वो स्कूटी उठाने लगा, स्कूटी आगे का आगे पीछे के पीछे, फिर हमको स्कूटी टूट गया। तो वो कहने लगी यार बोल तू बचा कैसे। मैंने ये कहा देखो हम जिस संत से नाम ले रखा हमारे कुछ नहीं होने वाला है। तो बोले कौन संत है, वो संत रामपाल जी महाराज है। तो बोले वो जेल में, वहाँ जेल में तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो है नहीं जेल में। और जेल में जो कहता है वो मतलब अनबुद्धि है, उसको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है उसको, वो कुछ भी कह देगा। और एक रोज़ मैं और मेरी घरवाली बाइक पे आ रहे थे, बाइक पे आ रहे तो एक साइड से रास्ता आ रहा था, क्रॉस कर रहा था, कोई नई गाड़ी सीख रहा था, कोई था बुजुर्ग आदमी था 50-60 साल की उम्र का, उसको नई गाड़ी सीख रहा था। उसने पीछे से ऐसी टक्कर लगाई तो मेरी घरवाली पड़ी कम से कम 30 फुट दूर, और मेरी बाइक के कुछ नहीं हुआ, मतलब आगे निकल गया। फिर वो जोर जोर से कहने लगे तू किसको गिराएगा किसको गिराएगा। मैंने देखा कौन गिर गई भाई, देखता हूँ तो पीछे उनको उठा रहे हैं। मैं जाके पूछा भाई क्या हुआ, जो बोले मेरे तो कुछ थोड़ी ही चोट आई, ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर ऐसे तो लगी कैसे, किसको बचाया। बोले भाई परमात्मा आए संत रामपाल जी के रूप में और उन्होंने मेरे को एक साइड में कर दिया। तो इतने इतने तो ये लाभ तो मालिक देता देता है, हर इंसान को देता है। सबसे पहली बात तो मोक्ष का रास्ता हमको बताया, तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने बताया ये। और आप जैसी मीडिया ने लोगों को भ्रमित कर दिया, झूठी साची अफवाहें उड़ा के, हम जो भी इसके शिष्य हैं उनसे पूछ के देखो, वो एक एक आंख में 9-9 आंसू निकलेंगे अपने अपने सुख बताते बताते। सर क्या आप नशा भी करते थे? नशा बहुत ज़्यादा करता था, जो 502 का बंडल आता है, आजकल तो पता नहीं आता है कि नहीं आता है, 25 बीड़ी का बंडल आता था, वो कम से कम 5 पी जाता था, और एक सिगरेट की डिब्बी पी जाता था, और रात को दारू पीता था। सर आपका कहना है कि आप लगभग 100 से ज़्यादा बीड़ी पीते थे और 10 सिगरेट पीते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा, और छूटा तो कैसे छूटा? नशा जब मैं 4 नवंबर 2013 को नाम लेने गया, तो जो संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम का जो मेन गेट है, तो उसके अंदर जाते ही उसने फार्म पूरे भैया नाम दीक्षा दिवादी मालिक से, परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद संत रामपाल जी की कृपा हुई, आशीर्वाद मिला, उससे नशा करना तो बहुत दूर की बात है जी। नशे के बारे में
सोचना और नशा की धुआं देखने से भी मेरे को इतनी नफरत होती है, पंत पूछो मत। सर, संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है? सामाजिक सुधार में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा मुहिम चलाया है, दहेज रहित युवा, नशा युक्त भारत, भ्रूण हत्या, मतलब दहेज रहित शादियाँ होती है, रेमणी बोलते हैं हमारे संत रामपाल जी के शिष्य, उसमें दहेज न तो लेना न किसी को देना, ये बिल्कुल स्वस्थ समाज बनाने की जो मुहिम चलाई है उसका सहयोग। संत रामपाल जी महाराज को जेल में रख के भी रास्ता नहीं रोक पा रही सरकार, और आगे उनके शिष्य बढ़ते जा रहे हैं और समाज को सुधार करने में लगे हुए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, नशे से ग्रस्त हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको क्या करना होगा? मेरी भाई बहनों से कि नाम से नफरत मत करो, किसी ने मीडिया के कहने से आप मत मानो, संत रामपाल जी का ज्ञान पढ़ो, बुक्स छप रही हैं, फ्री में भेज रहे हैं बंदे, उनके शिष्य गाँव में सेवा कर रहे हैं, फेसबुक पे चल रही है सेवा, और जैसे तैसे करके बुक कहीं से भी लेकर आप पढ़ो और फिर उनके मार्ग पे चलो। सतगुरु रामपाल जी तो ये बोलते हैं कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा, और हुआ है, हमने देखा है। क्यों, मैं मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो ऐसे ही और भक्तों का वैसा ही है, सब कुछ ठीक होगा। आप उनका ज्ञान समझो, टीवी देखो, और अपना सबसे ज़्यादा सुख तो जो काल लोक में रह रहे हो यहाँ का सुख देते हो। संत रामपाल जी मिनी सतलोक बना देते हैं उनसे नाम दीक्षा लेने वालों को। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के लिए साधना चैनल पर, श्रद्धा चैनल पर 6-7 चैनल चल रहे हैं, तो उनके नीचे पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी के ऊपर नंबर चलते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करिए। आजकल तो संत रामपाल जी ने ऐसी दया कर रखी है कि मतलब हर शहर शहर में नामदान खोल दिया। क्यों खोल दिया? क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनको पार करना है, उनको तो सच्चे ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान लो और अपना यहाँ से मोक्ष करवाओ। मेरा तो यही निवेदन है, और तो मैं क्या बता सकता हूँ। धन्यवाद सर। सत्साई।